अरे नहीं नहीं मैडम, ये क्या कह रही हैं आप, हम तो खुश हैं, हंस रहे हैं, हम तो हंस रहे हैं। हाय हाय, नॉट एट ऑल मॉम, मैं रैप्टा मारूंगी, सबकी आंखों में आंसू हैं। और सबसे ज्यादा मायूसी सर आपके चेहरे पे है, क्या बात होगी, कहीं कुछ छुपा तो ना रहे हमारे से है? आए, आए। मैं चौटाला, हमारे आंखों में आंसू है और हम सब रो भी रहे। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर गुलगुले, यू प्लीज कीप क्वाइट। हम मिस चौटाला को बताकर रहेंगे कि हम रो क्यों रहे। वेल सर, गोपी यू शट अप, हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, चुप नहीं बैठे तो। कर दीजिए सर सस्पेंड, कोई चिंता नहीं है मुझे, लेकिन लेकिन मैं ये बात आपको मम्मी जी को नहीं बताने दूंगा। और हमें बात बताने से कोई रोक नहीं सकता, समझे, तुम्हारा ये रोना भी नहीं रोक सकता कि हम रो क्यों रहे हैं और हमारे आंखों में आंसू क्यों है। एक मिनट प्लीज शांति, यहाँ क्या हो रहा है यार, एकदम अच्छा खासा जो है नाच गाने के बीच एकदम लड़ाई सी छिड़ गई। चुप रहे तुम दोनों, बिल्कुल क्वाइट, फिंगर ऑन योर लिप्स। सर आप मन्ने बताइए क्या बात होगी। मिस चौटाला, हमारी आंखों में जो आंसू है ये यस सर, ये खुशी के आंसू है मिस चौटाला। ये खुशी के आंसू है क्योंकि हम सब आपसे इतना प्यार करते ना, तो हम अपने आंसू रोक नहीं पाए। सही में, सही तो कह रहे हैं सर, हम इतने खुश हैं मैडम कि आपका बर्थडे है ना, इसलिए खुशी के आंसू है। या मॉम, दिस इज हैवीनेस। हैप्पीनेस या दिस वन। यार वैसे एक बात कहूं भाई, सब लोगों ने मिलके जो है ना हमारा दिल जीत लिया, मतलब विश्वास ना हो रहा है कि तुम लोग इतने स्वीट हो कि बिल्कुल नदियां बह रही हैं। अरे यार आओ, चलो लाइन में लगाओ, केक खिलाऊंगा। सर सबसे बड़ा वाला आपके लिए। मेरी बीबी मुझे छोड़ के गई तुम्हारे गलत रिपोर्ट के वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, देखिए गलती मेरी नहीं, सब इसकी है, इसने टाइपिंग में मिस्टेक की थी। रिपोर्ट तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। अरे नर्स ने पेशेंट को लेके जाओ, आप जाइए, मैं आता हूँ अभी। अभी आखिर अबे, अरे क्यों आया तुम मेरी जिंदगी में, क्यों रखा तुझे मैंने अपने यहाँ टाइपिस्ट, क्यों करता है तू टाइपिंग में इतनी मिस्टेक। रिपोर्ट तैयार है डॉक्टर साहब, बस 2-4-6-8 तो गलतियां हुई है, स्पीड 46 है। अरे बढ़ में गई तेरी स्पीड, 2-4-8 मिस्टेक नहीं, तूने सारी की सारी रिपोर्ट्स में मिस्टेक की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्ट तैयार है, मैं तुझे चंद्रमुखी मैडम के पास लेके जाऊंगा, वही चखाएगी तुझे मजा। अजय तूने उसके रिपोर्ट में भी गलत टाइपिंग कर दी है। रिपोर्ट तैयार है तुझे ना, मैं भैया आज तो जो है कहां से उग गया सूरज, जो हमारे राम बलराम बिल्कुल ही एकदम ऑन टाइम आ गए ड्यूटी पे, वैसे इतने नलायक और इतने जो है लेट लतीफ हो रहे हैं कि बाज ना आए अपनी हरकतों से, लेकिन सडनली हृदय परिवर्तन, क्या बात है भैया, आई एम इम्प्रेस्ड, और काम भी कर रहे हैं, वाह। मैडम आज तक आपको बहुत सताया है ना हम दोनों ने, तो मैडम कितना आप डांटती हैं, तो लेट आते हैं हम लोग, कितना स्ट्रेस होता होगा ना आपको। या मॉम, वी डोंट वांट टू गिव यू द पेंशन, इज द टेंशन या दिस वन। हाँ मैडम, और आजकल आपका सर भी दर्द करता रहता है और फिर आप गुस्सा होती हैं, तो उसमें आपका सर दर्द भी कितना बढ़ जाता होगा, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया मैडम कि अब हम हमेशा टाइम पे आएंगे, रोज टाइम पे आएंगे और अपना काम भी एकदम ठीक से करेंगे, एकदम ठीक से। अरे यार वो सर दर्द से याद आ गया, मैंने वो मेडिकल सेंटर से चिटपुड़ियागंज के से मैंने वो सर का जो है सीटी स्कैन करवाया था, उसकी रिपोर्ट भेजने वाले थे, आई कि ना आई? या इज द ना इज द
वो अगर आई होती मैडम तो यही होती ना टेबल पे, आई नहीं, अगर आई होती तो मैं फोन लगाती हूँ जरा इन्हें। नहीं 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 नहीं, क्या फोन लगाने की क्या जरूरत है मैडम, आप छोड़िए ना, वो रास्ते में आता है मेरे, मैं निकलूंगा ना जब चौकी से घर जाने के लिए तो वो मेरे रास्ते में आता है, मैं रास्ते में ले लूंगा रिपोर्ट मैडम। श्योर? हाँ श्योर श्योर। चलो सही है फिर, ध्यान से ले लियो है। हमारा इलाके में लड़की छेड़ कर अगली बार बजरंग पांडे के इलाके में लड़की छेड़ा ना तो हमसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो ना साहब, छोड़ दो ना, आज के बाद किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, छेड़ूंगा भी नहीं, सिटी भी नहीं बजाऊंगा। बजाने के लायक छोड़ूंगा मैं इसे। गोपी कम हियर। यस सर। लॉक हिम अप। ओह सॉरी, देयर, लॉक हिम अप। ओके सर। कब? हम भूल गए वो लॉकर का है। मैं सर आज जो है मैं बिल्कुल एवरीबॉडी इज टेकिंग मी बाय सरप्राइज सर, मतलब यो दोनों बालक आज बिल्कुल टाइम पर आ गए काम कर रहे हैं और आप गुंडों को जो है मार के लॉकअप में डाल रहे हैं, क्या सर, आई लाइक। आप तो खुश है ना मिस्टर चौटाला? मैं घनी खुश हूँ सर, मेरा वर्कलोड कम हो रहा है। क्या हुआ? अरे कुछ ना, जरा सा सर दर्द है, मैं राउंड मार के आ रही हूँ। ना मिस्टर चौटाला आप ऊपर ना जाइए। हमारा मतलब है आप बाहर ना जाइए, बाहर घनी धूप है ना, तो धूप में सर दर्द बढ़ सकता है आपका, तो आप बाहर ना जाइए। सर चंद्रमुखी फौलाद की बनी है, मोम की ना, आ रही हूँ मैं। अब इन्हें हम कैसे समझाए कि ये फौलाद दो चार दिन में पिघलने वाला है। सर आप भी ना सर। क्या बे? सर मैडम को पता चल जाएगा कि वो मरने वाली है आपकी वजह से। तो मरने वाली हमारी वजह से? नहीं मतलब आपकी वजह से मरने नहीं वाली है, लेकिन ये बात कि वो मरने वाली है वो उनको पता चल जाएगी आपकी वजह से। सर सर आपके एक्सप्रेशन देखिए सर, सर मतलब आपके दिल में जो बात होती है, आपके मन में जो बात है, वो आपके फेस पे, आपके एक्सप्रेशन पे एकदम साफ साफ दिख जाती है। अब ऐसा कुछ नहीं है, हम बड़े स्मार्ट है, हम चेहरे पे जो एक्सप्रेशन छुपा के रखते हैं अंदर हमेशा, वेरी स्मार्ट आई एम। अच्छा ठीक है सर, मैं आपसे कुछ कहता हूँ वो आप अपने मन में उस बात को सोचिए और देखते हैं आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन आते हैं कि नहीं आते हैं। करो, बोलो बोलो। सर आपकी लॉटरी लग गई है। क्या? सर आपकी माँ बीमार है। क्या? नहीं। सर आप लड़की हैं। क्या? सर आपने भूत देख लिया है। क्या? लीजिए लीजिए। यस सर, गुलगुले इज राइट इज द, मकर संक्रांति में उड़ती है काइट इज द। सर कैसे सर, क्या सर आपके एक्सप्रेशन से। एक काम कीजिए सर, अब आप मैडम से जब भी मिलेंगे ना, जब भी मिलेंगे आप अपने फेस पे एक मफलर लगा के रखिए, मतलब अपने फेस को कवर्ड रखिए सर, ताकि मैडम को पता ना चले कि वो। अबे ठीक है, हम अपने चेहरे पर मफलर कवर करके चलेंगे मिस्टर चौटाला के सामने। एनीथिंग फॉर यू मिस्टर चौटाला, अपना ख्याल रखिएगा। करेंगे कवर जी सर। और तुम एक काम करें, इनके मुंह पे सीमेंट मल दें। इंट? सीमेंट, सीमेंट। सर, ओ पांडे जी। सर सर क्या हो गया, तबीयत वगैरह तो सही है, आपने मफलर ओढ़ा हुआ है, ठंड तो ना लग रही? नहीं नहीं, वो क्या ना हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है ना वो छिपते नहीं है, इसलिए हमने मफलर लगा दिया है। है वो क्या ना, हम कहना कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, सोचते कुछ और है, और वो सब छोड़िए आप, वो सब छोड़िए सर। अच्छा बताइए, आपने बुलाया मन ने, बताइए। कंट्रोल कंट्रोल चेंज। वो क्या ना मिचोटल, हमने कल रात को एक फिल्म देखी जिसका नाम था सदा सुहागन। उसमें एक लड़की ना सदा सुहागन रहती है और गाती है कि लाखों में सदा सुहागन हम रहती है, ऐसे ही कुछ गाना था। तो वो देखकर हमें आपकी याद आ गई और हमें ऐसा लगा कि आपको भी सुहागन होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक दो दिन में अगर आप मर गई तो फिर आपके दिल में वो जो रह जाएगा कि हम सुहागन क्यों नहीं रहे। सर मैं मर रही हूँ क्यों सर, मैं कब मर रही हूँ? कंट्रोल कंट्रोल। मेरा मतलब एक दो दिन में कुछ हो जाए तो हम, देखो हम पुलिस वाले हैं, हमारे बहुत सारे दुश्मन रहते हैं, तो अगर एक दो दिन में हमें कोई निपटा दे तो हम तो निपट जाएंगे ना। तो आपके दिल में रहना नहीं चाहिए कि सुहागन होने से पहले आप निपट गए,
पॉइंट सर, सुहागन होने के लिए कोई सुहाग चाहिए हो बे, कोई हस्बैंड, लड़का, आंखों में कोई देखा हो, कोई मैरिज मटेरियल टाइप। हम है ना, हम भरेंगे आपकी मांग में सिंदूर में चौटाला, तो सेफ्टी के लिए हम आपकी मांग में सिंदूर भर लेंगे, और उसके लिए हम यदि सिंदूर की डिब्बिया भी लाए। सर एक मिनट, अभी ज्यादा हो रहा है, प्लीज मन नहीं हो दीजिए, आप उस फिल्म से कुछ ज्यादा ही अफेक्ट हो गए। और एक बात याद रखिए, अभी तक कोई माई का लाल पैदा ना हुआ है जो मन ने ऊपर पहुंचा सके, सो प्लीज निश्चिंत रहिए। और वैसे आपको हमारी इतनी चिंता क्यों हो रही? आप नहीं समझेंगे मिस चौटाला, कंट्रोल कंट्रोल आप नहीं समझेंगे मिस चौटाला, कुटिया में कुछ दौरा पड़ रहा है। अबे यार, ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या? सबको क्या हो गया है? What's wrong? गोपी, गुलगुले। अरे मैडम, वो गुलगुले और गोपी वो रेड मारने गए तो मुझे मैसेज देके गए थे कि मैं आपको बता दूं। काम पे गए हैं यार रेड मारने? एक मुजरिम भी पकड़ लिया यार, भगवान, am I dreaming or what? कैसे हो गया यार? अरे मैडम, वो मैंने मैसेज दिया तो मुझे छोड़ दीजिए ना। क्यों, तैने अपने डैडी की शादी अटेंड करनी हो रही? नहीं, वो तो कर चुके 3 बार। तो बैठा रहे चुपचाप, आराम कर। मैडम 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 सॉरी मैडम, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मैडम, रिपोर्ट तैयार है, उसमें कसूर इस टाइपिस्ट का है मैडम। अबे ए, तू तो भाई है ना अपना कंजियांगो वाला ऑस्टिन पावर, वो टाइपिस्ट 46 की स्पीड तेने अपने मालिक की बैंड बजा दी थी। अरे मैडम, अब इसने मेरी बैंड बजा दी है मैडम, रिपोर्ट तैयार है मैडम, लोगों ने मेरे मेडिकल सेंटर को तोड़ दिया, मुझे कपड़े की तरह निचोड़ दिया, रिपोर्ट तैयार है मैडम, इसने सबकी रिपोर्ट में टाइपिंग मिस्टेक ऐसी कर दी कि मुझे मार मार के मेरा हलवा बना दिया मैडम, रिपोर्ट तैयार है। मैडम मैडम, इसने आपकी रिपोर्ट में भी टाइपिंग मिस्टेक की है, रिपोर्ट तैयार है। अरे पर मारी रिपोर्ट तो तैने दी ना है, अब तक मैं वेट कर रही हूँ कब से। अरे आ गई, रिपोर्ट तैयार है मैडम, मैं खुद आके वो है ना वो गुलगुले गुलगुले उसको दे के गया हूँ मैडम, रिपोर्ट तैयार है। मैडम देखिए, आपको कोई ट्यूमर उमर नहीं है। हाय, वो इसके टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा लिखा हुआ, इसको लिखना था नो ट्यूमर, इसने लिख दिया ट्यूमर और नो खा गया, रिपोर्ट तैयार है। नो नो रह गया। ट्यूमर? ट्यूमर कहां से आया, कौन सा? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। क्या मतलब? ओ अच्छा, मतलब हमारी रिपोर्ट में लिखा था ट्यूमर है और वो पढ़ ली जो है गुलगुले गोपी और सर ने, और उनको लगा कि मैं मरने। ओहो वेरी गुड। अच्छा सुन, निकलो जरा तू, तैने हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, और ओए गोल्डन रेड हेड बेटा, तैने अगर तो मैंने कहीं भी देख लिया या सुन लिया कि तू टाइपिंग कर रहा है तो बाल थारे में मूंड दूंगी, और 46 की स्पीड जो है ना उससे जाएगा तू जेल, समझा? निकलो, ये हारमोनियम बजा अकेले कमरे में बैठ के कहीं, चल निकल। और ये लीजिए मैडम आपकी रिपोर्ट करेक्ट वाली। चलता मैडम, रिपोर्ट तैयार है। ट्यूमर। ये बात है भैया, हमारे बालक रेड मारिया है। हाँ, हम रेड मारने गए थे मैडम, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं, मतलब पता नहीं, शायद उनको कुछ पता चल गया होगा, लेकिन आप घबराइए मत मैडम, अगले हफ्ते फिर रेड मारेंगे और गलत लोगों को पकड़ेंगे हम। वाह भाई, मैं परेशान ना हो रही, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम लोग जो है एकदम क्या हुआ मैडम? अरे मैडम क्या हुआ मैडम? मैडम मैडम, What happened is the, लगता है आ गया the end is the, क्या बोल रहा है गोपी? सर सर जल्दी आइए, मैडम को कुछ हो गया है सर। क्या हो मिस्टर डालो, क्या हो मिस्टर डालो, कहाँ हो?
आप हमें कुंवारा छोड़ के, हमारा मतलब है अकेला छोड़ के नहीं जा सकती मिस्टर चौटाला। मिस्टर चौटाला मॉम गो बैक मॉम, अबे गो बैक नहीं मैं कम बैक बॉल या दिस वन बाय 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 बाय। मैडम मैं छोड़ के चली गई सर। क्या मैं चढ़ रहा It's okay. कंट्रोल कीजिए सर। कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल हमसे कंट्रोल नहीं होता, नहीं करना हमें कंट्रोल। सर अब रोने से क्या होगा सर? सर अब मैडम हमारे बीच नहीं तो क्या? मैडम हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी सर। मम्मी जी मुझे छोड़ के चली गई है, मैं तो अनाथ हो गया हूं। लेकिन एक बात की खुशी है कि हमने उनको पता नहीं लगने दिया कि वो मरने वाली है। हाँ ये तो ठीक, हमने उन्हें रोते रोते नहीं बल्कि हंसते हंसते खुशी खुशी विदा किया है। हाँ सर करेक्ट सर करेक्ट, इसलिए आज आज सर हम मैडम के मरने का दुख नहीं मनाएंगे सर, हम खुशी मनाएंगे। हाँ सर खुशी मनाएंगे, हम मैडम की आत्मा को खुशी खुशी विदा करेंगे सर। सर एक जश्न होगा, जश्न जश्न होगा। अरे चौटाला आप तो मर गई थी ना सर, इतनी भी ना मरी कि सलमान के गाने पे ना नाचूं। और रही बात मरने की तो मन ने बेरा है कि आप लोगों को लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ ली थी। अरे भाई वो रिपोर्ट गलत थी, टाइपिंग मिस्टेक हुई थी उसमें। मन ने कोई ट्यूमर व्यूमर ना है। क्या बात करिए मैं चौटाला। मैडम आप जिंदा है, आप जिंदा, आपको कुछ नहीं हुआ, आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। माय गॉड। हाँ वैसे इस पूरे कांड में एक बात बढ़िया हो गई। वैसे तो आप लोग काफी जो है भैया और मतलब एकदम बॉडम टाइप, सॉरी लेकिन वैसा ही रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन मन ने यो पता लग गया कि आप सब जो है हमारे से घना प्रेम कर रहे हो। अरे ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स, आपके बिना तो मैडम कितनी खुशी की बात है ये। गोपी अब तो मिठाई बनती है, मिठाई लेके आएंगे यार, पार्टी होगी। हम कुछ मिठाई लेके आते मैडम। ओके सर। और आप मांग भरो सजना सिंदूर की डिबिया। भाई वो सिंदूर की डिबिया लेके मांग भरने का जो पूरा सेशन था सर, उसके पीछे के राज है। लड्डू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.